आंखों में मंजिल थी, गिरे संभले मगर फिर भी चलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे संभले मगर फिर भी चलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की मगर फिर भी चिराग आंधियों में चलते रहे, चिराग आंधियों में चलते रहे। वेल, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज रिलेशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। ऑलरेडी मैं इसका इंट्रोडक्शन बना दिया हूं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एनसीईआरटी मैंने पहले भी बताया था, मैं पूरी तरह से सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। पहले एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन खत्म करेंगे, फिर थोड़ा सा टफ लेवल में जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, जी सीबीएसई ने भी रिकमेंड किया है एग्जाम्पलर बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। और दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी मिशन है कि 250 बच्चों को मुझे टॉपर करना है। क्या आपका मिशन भी वही है? अगर आपका मिशन भी वही है तो हमारे साथ आप जुड़िए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हालांकि ये एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था ये जितने भी क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स के हैं कि एनसीईआरटी जब भी बुक बनाओ ना तो पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ो, फिर एग्जाम्पल्स बनाओ, फिर एक्सरसाइज पे जाओ, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक तो इतना पतला बुक है और उसका भी अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है दो ऑर्डर्ड पेयर और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो हमें कैलकुलेट करना है x का वैल्यू एंड y का वैल्यू आपको कैलकुलेट यहां करना। तो देखो जी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल रहता है तो फर्स्ट वाला इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड वाला इक्वल टू सेकंड होता है। तो मैं लिखूंगा x प्लस वन इक्वल टू क्या होगा 3 एंड लिखूंगा y माइनस टू इक्वल टू 1 लिखा मैंने, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या, इस साइड लेकर आओ, 3 में से 1 चला गया 2 हो जाएगा, एंड इधर देख लो y इक्वल टू उस साइड ले लो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। देखा कितना सिंपल है, ठीक है। ये एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, खैर कुछ भी क्वेश्चन हो लेकिन आपको बनाते चलना है, ठीक है। भले ये इजी है, अगर इजी है तो मेंटली कैलकुलेट करो, अगर एक मिनट में बना सकते हो तो 30 सेकंड में बनाओ, 10 सेकंड में बनाओ, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। ज्यादा ये मुंह मत बनाना सर ये तो मेरे को आता है, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सुनो कहा ना, अगर आता है तो इसको एक मिनट की जगह 10 सेकंड में बना लो, ठीक है, माइंड में कैलकुलेट करो लेकिन बना लेना। ये देखो जी, इस बार पी हमारे पास है ए बी सी, क्यू हमारे पास है आर, फॉर्म आपको करना है पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल, मुझे पी क्रॉस क्यू निकालना है। तो देखो पी क्रॉस क्यू कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट ए लेंगे, पी से लेंगे, और सेकंड एलिमेंट मुझे कहां से लेना, क्यू से लेना है, ठीक है। तो देखो मेरा फेवरेट स्टूडेंट कलुआ, कलुआ जवाब देगा क्या आंसर होगा। ए एंड आर, वी आर टॉकिंग ए कॉमा आर, मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। ए को फिर बी को आर के साथ कनेक्ट करो, बी कॉमा आर, उसके बाद सी को आर के साथ कनेक्ट किया, दिस इज सी कॉमा आर हो जाएगा, ठीक है। तो यही पी क्रॉस क्यू है। आप बोलोगे कि सर क्यू क्रॉस पी मुझे बताओ, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग क्यू से लेंगे, सेकंड एलिमेंट पी से हम लोग लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, आर कॉमा ए लिखा मैंने, ये होगा आर कॉमा बी हो गया, आर कॉमा मैंने यहां पे सी लिख दिया, ठीक है, आर कॉमा ए, आर कॉमा बी, आर कॉमा सी लिखा, तो ये पी क्रॉस क्यू है, ये क्यू क्रॉस पी है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को तो मुझे फॉर्म करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, जिसका थंबनेल आप देखे होंगे, आप ए देख लो, बी देख लो और सी देख लो, देख लिया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम लोग, हमें निकालना है फर्स्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले क्या निकाल लो ना, बी और इंटरसेक्शन सी आप निकाल लो, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो देखो ये बी है, ये सी है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में कॉमन,
तो कॉमन क्या आएगा जी, थ्री एंड फोर, फोर फाइव सिक्स, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, वी आर गेटिंग व्हाट, फोर, फोर इज द कॉमन इन बोथ केस, ठीक है, तो फोर हमने कॉमन लिख दिया। अब बताओ मुझे ए को क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं ए का वैल्यू क्या रखूंगा, वन टू थ्री रखा, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, इट विल बी फोर हो गया, ठीक है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री और क्रॉस मैंने किया, फोर मैंने यहां पर रख दिया। अब आप क्या करोगे, यहां लोगे, वन को फोर के साथ लिया मैंने, वन कॉमा फोर, टू कॉमा लिखा फोर, उसके बाद मैंने लिखा थ्री कॉमा फोर लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, देखो कितना सिंपल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आइए इसी में देखते हैं, आप कंफर्टेबल स्पीड में देखते जाइएगा, आपको जो भी स्पीड लगता है आप अपना स्पीड बढ़ा घटा लीजिएगा। नाउ पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, सेकेंड क्वेश्चन में है आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर ए क्रॉस सी निकालना होगा, ठीक है, तो पहले देखो ना ए का वैल्यू कितना है जी, इट इज वन कॉमा टू कॉमा थ्री कह रहा है क्रॉस, और बी इज व्हाट, बी हमारे पास है थ्री कॉमा फोर हो गया, मुझे क्रॉस निकालना है। अच्छा मुझे बताओ तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि ए और बी में दोनों का अगर मुझे क्रॉस निकालना होगा तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो बोलोगे सर सिक्स होगा, इसमें थ्री है इसमें टू है, तो वी आर गेटिंग वन कॉमा थ्री हो गया, वन कॉमा फोर हो गया, टू कॉमा थ्री हो जाएगा एंड टू कॉमा फोर हो गया एंड थ्री कॉमा थ्री हो गया एंड थ्री कॉमा फोर हो गया आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा फोर, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा फोर हो गया, ये होगा ए क्रॉस बी। अच्छा एक और देख लो, ए क्रॉस सी आपको निकालना है, तो ए इज व्हाट, वन कॉमा टू कॉमा थ्री क्रॉस, सी का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, देखो तो चलो जितने भी टॉपर हैं मुझे जवाब देंगे, सी का वैल्यू क्या है, सर ये कोई क्वेश्चन है क्या, ठीक है, फोर फाइव सिक्स हो गया आपका, इसमें टोटल एलिमेंट कितना निकलेगा, तो बोलोगे सर टोटल एलिमेंट जो है ना इसमें नाइन निकलेंगे, कैसे निकलेगा, पहले वन को सबके साथ कनेक्ट कर दो, वन कॉमा फोर, वन कॉमा फाइव, वन कॉमा सिक्स मैंने लिख लिया, ठीक है, उसके बाद टू को सबके साथ कनेक्ट करो, इट इज टू कॉमा फोर, इट इज टू कॉमा फाइव एंड टू कॉमा वी आर गेटिंग सिक्स, ठीक है, फिर देखते हैं थ्री के साथ कनेक्ट करते हैं, थ्री कॉमा फोर, इट्स अ थ्री कॉमा फाइव एंड थ्री कॉमा मैंने लिख दिया सिक्स कर दिया, ठीक है, थ्री कॉमा सिक्स भी लिख दिया, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, नाइन आ गया ना, हाँ काउंट करके देख लो, वी आर गेटिंग एज अ नाइन हो गया। अब तो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस सी है, और दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, कॉमन कैसे निकलेगा जी, देख लो कॉमन क्या क्या है, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, तो कौन कौन सा कॉमन आएगा, वन कॉमा फोर, वन कॉमा फोर, टू कॉमा थ्री कहीं है, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा थ्री नहीं है, टू कॉमा फोर है, टू कॉमा फोर दिख रहा है, थ्री कॉमा थ्री दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, थ्री कॉमा फोर हाँ है, थ्री कॉमा फोर, उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, और कुछ देख सकते हैं, वन कॉमा थ्री तो नहीं है कहीं भी, कहीं भी नहीं है, टू कॉमा थ्री भी नहीं था, थ्री कॉमा थ्री भी नहीं था, तो बस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो आ जाएगा वन कॉमा फोर, इट इज़ टू कॉमा फोर, नेक्स्ट थ्री कॉमा फोर, ये हमारा कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, तीन हमारे पास कॉमन निकल गया, वन कॉमा फोर, टू कॉमा फोर, थ्री कॉमा फोर, यही इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास हो गया ना, ये टू हो गया, ये क्वेश्चन नंबर टू हम ऐसे करके इसको बना लेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए, इसी के बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर एक और करेंगे, दैट इज थ्री, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री एग्जैक्टली में क्या है, तुरंत मैं आपको बताता हूँ, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री बनेगा कैसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है, ऑलराइट, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर थ्री पे फोकस करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, देख लीजिए जी, आपको सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना है जी,
तो आप देख लो बी और सी का वैल्यू देख लो यूनियन, और यूनियन का मतलब आपको पता होता है कि बी का वैल्यू भी लेते हैं और सी का वैल्यू भी लेते हैं, दोनों वैल्यू हम लोग लेंगे। तो बी इज व्हाट 3 4 है, 3 4 भी लिया, 5 and 6 मैंने लिया, 3 4 5 and 6 मैंने ले लिया, दिस इज बी यूनियन सी। और अब क्या करेंगे, ए के साथ इसको क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन मैंने सी ले लिया, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए की जगह अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज 1 2 3 मैंने लिया इनटू क्रॉस बी यूनियन सी 3 4 5 and 6 लिखा, 3 4 5 and 6 मैंने लिखा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका आंसर निकाल लो, तो क्रॉस करना है, पता है टोटल एलिमेंट इसमें निकलेंगे कितना, चलो बताओ टोटल इसमें 12 निकलेगा, क्या क्या निकलेगा देख लो, इट इज 1,3 निकलेगा, उसके बाद 1,4 निकलेगा, पहले 1 को सबके साथ कनेक्ट कर लेंगे, 1 का सेटिंग सबके साथ पहले कर देंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे 1,5 1,6 ठीक है, 2,3 2,4 2,5 2,6 नेक्स्ट 3,3 3,4 3,5 and 3,6 वी आर गेटिंग है, ठीक है, यही पूरा का पूरा हमारा आ जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी, दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। आइए एक और क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो जी, और कहीं भी दिक्कत होगा वीडियो को फिर से घुमा फिरा के देखिएगा, डिजिटल है ना तो आप इधर उधर करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ए क्रॉस बी आपको दिख रहा है, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू देख लो 1 2 3 है, क्रॉस बी कितना है 3,4 कह रहा है, इसमें टोटल एलिमेंट कितना निकलेगा 6 निकलेगा, ठीक है, 3 2 6 निकलना है, और कौन कौन सा होगा, 1 का दोनों के साथ सेटिंग कर लो 1,3 इट इज 1,4 हो गया, उसके बाद 2,3 वी आर गेटिंग 2,4 हो गया, नेक्स्ट 3,3 and 3,4 हो जाएगा, ठीक है, 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4 हो गया, ठीक है। उसके बाद ए क्रॉस सी अगर देखते हैं, तो ए क्रॉस सी में क्या लेते हैं, ए का वैल्यू 1 2 3 क्रॉस सी 4 5 and मैंने लिखा 6, अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो क्या होगा 1,4 1,5 1,6 मैंने लिखा, फिर 2,4 इट इज 2,5 2,6 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 3,4 3,5 and 3, मैंने लिखा 6 कर दिया, ठीक है, तो टोटल मिलाकर 9 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, और 9 आने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, इसका भी और इसका भी यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन कैसे निकलता है ये तो आपको पता होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यूनियन निकालने के लिए जो ए क्रॉस बी में है वो भी लेंगे, ए क्रॉस सी में है वो भी लेंगे, लेकिन जो रिपीटेड है ना उसको एक ही बार आपको लेना है। तो देखो कौन कौन सा रिपीटेड है, क्या क्या लिया जा सकता है, 1 3 ले सकते हैं हम लोग, कहाँ से हैं, हाँ 1 3 लिया जा सकता है, 1 4 लिया जा सकता है, पहले 1 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 4 लिया जा सकता है, पूरा ले लो 1 4, उसके बाद 2 3 भी ले सकते हैं हम लोग, 2 4 भी, ऊपर वाला जितना है पहले लिख लो, 3,3 ले लिया, 3,4 ले लिया मैंने, ठीक है, पूरा ले लिया मैंने। अब जो जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लेना है, 1 3 यहाँ पर कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 4 देखो ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 5 नहीं लिया हूँ ले सकता हूँ मैं, 1 6 भी नहीं है लिया जा सकता है, 2 4 देखो ऑलरेडी है लिख दिया हूँ मैं, तो इसको एक ही बार लिखना है आपको, 2 5 नहीं लिया गया है, वी विल टेक 2 5, 2 6 भी नहीं लिया गया है, वी विल टेक 2 6, 3 4 इज टेकन, ये छोड़ दो, नेक्स्ट 3 5
और उसके बाद जो होगा ना इट इज 3.6 हो जाएगा, ठीक है 3.6, यही इसका पूरा का पूरा फाइनल आंसर आएगा। मैं अगर यूनियन निकालता हूँ तो ए क्रॉस बी का वैल्यू लेना है, ए क्रॉस सी का वैल्यू लेना है, और जो कॉमन है ना जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन जो पर्पस है जो कंसेप्ट है वो मैं समझा दिया हूँ, कहीं कुछ छूटा उठा होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आइए जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दिस इज पी का वैल्यू 1.2 है, तो पहले क्या निकालते हैं ना पी क्रॉस पी निकाल लेते हैं। तो पी क्रॉस पी कैसे निकलेगा, यू नो पी का वैल्यू 1.2, दूसरा पी का वैल्यू भी 1.2, टोटल एलिमेंट पी क्रॉस पी कितना निकलना है, ये 4 निकलेंगे। क्या क्या होगा, पहले 1 को 1 के साथ निकालेंगे, 1 को 2 के साथ निकालेंगे, 2 को 1 के साथ निकालेंगे, 2 को 2 के साथ निकालेंगे, ये हमारा हो गया पी क्रॉस पी। दिस इज पी क्रॉस पी हमने लिख दिया, ठीक है। अब पी क्रॉस पी को किसके साथ मुझे सेट करना है जी, फिर से पी के साथ सेट कर दूँ, वो देख रहा है ना पी के साथ सेट करना है। तो इस पूरे को देखो, इस पूरे को जो है ना ये पी यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इस पूरे को इस पी के साथ कनेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखते हैं, 1.2 को एक बार लेना है 1 के साथ, ठीक है। तो वी आर टेकिंग 1.1.1 कर दिया, उसी तरह 1.1 को लेना है 2 के साथ, देन आई कैन राइट 1.1.2, नेक्स्ट 1.2 को लेना है 1 के साथ, 1.2.1 उसी तरह 1.2.2, ठीक है। सिमिलरली 2.1.1, 2.1.2, नेक्स्ट 2.2.1 एंड 2.2.2 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने होने चाहिए, 8 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस P में कितना है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सबको मल्टीप्लाई कर लोगे टोटल हमारे पास जो आना चाहिए 8 एलिमेंट आना चाहिए। आप काउंट भी करके देख लो, वी आर हैविंग 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन करते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रहा आर जो है ना इज द रियल नंबर, आर हमारा रियल नंबर है, और कह रहा है कि व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। तो आर क्रॉस आर जो है ना इसमें जो भी एलिमेंट आएगा आप ऐसे कह सकते हो ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो बी है ना ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आर क्रॉस आर ये जो लिख सकते हो रिप्रेजेंट्स, ठीक है, पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन 2D ज्योमेट्री, टू डायमेंशन ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करेगा, आप ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से आर क्रॉस आर क्रॉस आर अगर होगा तो इट विल बी ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए बिलोंग्स टू आर बी बिलोंग्स टू आर सी बिलोंग्स टू, मैंने लिखा आर, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर बी बिलोंग्स टू आर सी बिलोंग्स टू आर, ये जो रिप्रेजेंट करेगा ना ध्यान से देखिए, इट विल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, ठीक है, इन 3D ज्योमेट्री, ये क्या होगा ना 3D ज्योमेट्री में अप्लाई करेगा, या 3D प्लेन में कह सकते हो, क्लियर। तो यही इसका पूरा का पूरा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये देखते जाइए। और देख लो जी, बीच बीच में कुछ आवाज़ें आएंगी, आवाज़ें मतलब क्या होगा, भूत प्रेत का नहीं, गाड़ी का आएगा, कभी बाइक की आएगी, कभी बुलेट की आएगी, तो कैसे इसको टैकल करोगे, इसे परेशान नहीं होना है, बस फील करना कि जब टॉप कर जाओगे ना, टॉपर बनोगे ना, ऐसी बुलेट खरीदनी है, ऐसी बाइक खरीदनी है जिसके पास नहीं है, भाई जिसके पास बाइक है ऑलरेडी सपना देखो कार का मुझे खरीदना है, बड़े बड़े चीज़ का सपना देखो आप, ठीक है। तो जब भी आवाज़ आती है ना तो फील करो ये मेरी बुलेट जा रही है, मैं इसको चला, ठीक है। बहुत देखो 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 ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो ये ऑलरेडी ए क्रॉस बी लिखा है,
फाइंड ए एंड बी आपको निकालना है यहां पर। ए एंड बी कैसे निकलेगा, देखो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है ना कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा, ठीक है। तो आओ चुन लो वहां से, ये जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये पहले सेट का होगा। तो क्या लिखेंगे, पी दो बार है एक ही बार लिखना है, एम भी दो बार है एक ही बार लिखना है, पी कॉमा एम लिखना है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बी मैंने लिखा, उधर देखो क्यू और ये हो गया आर, ठीक है, क्यू कॉमा आर रखा, तो यही हमारा ए एंड बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और किसी भी तरह का अगर डाउट होगा, ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा तो व्हाट्सअप नंबर हमारा रख लें, इस व्हाट्सअप पे हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, ये 7979737846, ठीक है, इस पर आप मुझे भेज दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट होता है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाय, अपना ध्यान रखिएगा।